की कई विधाएं हैं, उसमें से एक विधा है सहज योग मेडिटेशन, जिसके चलते मेडिटेशन के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर एक रथ आने वाला है। रथ कई जगह रुकेगा, लोगों को सहज योग के बारे में बताएगा। देखिए हमारी ये एक खास रिपोर्ट। सहज का मतलब है आसान, आम तौर से हम लोग ऐसा ही समझते हैं। अगर इसको योग से जोड़ दिया जाए तो सबसे आसान योग यही कहलाएगा। आज इसी सहज योग को 140 से भी अधिक देशों में ध्यान केंद्रों में प्रतिदिन हजारों लोग करते हैं। रीवा में भी इसी योग के प्रचार प्रसार के लिए 1 मार्च को रथ आ रहा है। यह रथ शहर के कई इलाके में रुकेगा, सहज योग के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। करहिया मंडी से प्रारंभ होकर सहज योग ध्यान केंद्र, भारत माता मंदिर, बिंद विहार कॉलोनी, अग्रसेन चौक, राम जानकी मंदिर, नेहरू नगर जिसे दिनेश पार्क भी कहते हैं, होते हुए शाम 6 बजे सहज योग ध्यान केंद्र प्रयागराज रोड रतहरा पहुंचेगा। आयोजक साफ तौर से कहते हैं, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक प्रगति के लिए सहज योग अपनाएं, जिसके विश्व स्तर पर कई प्रमाण मौजूद हैं। इस मौके पर निर्मला देवी सहज योग ट्रस्ट, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए इसे 1970 में प्रारंभ किया था, उनके 100वें जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए ट्रस्ट ने अभी से तैयारी प्रारंभ कर दी है। आयोजक साफ तौर से कहते हैं, सहज योग करने के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ना ही आपको कुछ देना है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको पाने के आप पूरे अधिकारी हैं। आयोजक कहते हैं, अगर आप तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो सहज योग अपनाएं। अपने बच्चों को संतुलित शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक विकास देना चाहते हैं तो सहज योग अपनाएं। पारिवारिक जीवन में सुख, शांति एवं सामान्य तथा पारिवारिक संबंधों में संतुलन चाहते हैं तो सहज योग अपनाएं। अपने चारों ओर अति सूक्ष्म रूप से मौजूद परम चैतन्य परमात्मा की शक्ति की अनुभूति चाहते हैं तो सहज योग अपनाएं। सहज योग सारे धर्मों में मान्य है, इसको सारे धर्म के मानने वाले लोग करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं काफी हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजकों ने क्या कुछ कहा। परिवार से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पहले भी इस बारे में जानकारी होगी, ये जो कार्यक्रम होने वाला है इसकी आधारशिला है, जो ये एक माइलस्टोन साबित होने वाला है, क्योंकि ये जो सहज योग है आज लगभग 170 से ज्यादा देशों में निःशुल्क प्रैक्टिस होता है। और सहज योग जो है एक ऐसी विधा है जो व्यक्ति के हर आयाम को प्रभावित करती है और उसका एक सकारात्मक प्रभाव मानव के जीवन पर पड़ता है। इसी उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत भ्रमण चैतन्य रथ यात्रा का जो संचालन है वो नेशनल ट्रस्ट के द्वारा, जो पूरे कार्य को देखता है, सहयोग के पूरे कार्य को देखता है भारतवर्ष में, और 170 से अधिक देशों में जो संस्थाएं सहयोग के काम करती है तो अलग अलग नाम है उनका, तो भारत देश में इसका नाम नेशनल ट्रस्ट है जो ये सारे कार्य देखता है। तो 100वां जो बर्थडे है श्री माता जी निर्मला देवी, जो उसके प्रणेता है सहज योगा के, उनके 100वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो ये भारत भ्रमण चैतन्य रथ यात्रा है ये अलग अलग राज्यों से होती हुई, लास्ट में भी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अनूपपुर से इंटर हुई, और अभी सभी जिलों में जैसे कल कार्यक्रम इंदौर में था, और हमारे यहाँ जो रीवा है उसका आगमन, जो चैतन्य रथ का आगमन है वो 1 मार्च को होना है। और इस जो चैतन्य रथ है, इस चैतन्य रथ का मुख्य उद्देश्य है कि जो ये इतनी सुंदर विधा है, जो ध्यान की एक छोटी सी प्रणाली है जो बहुत ही सहज और सरल है और जो बहुत इम्पैक्ट डाल रही है शोधकर्ताओं के लिए भी, और हर आयु का वर्ग, हर वर्ग का व्यक्ति जो है इसका फायदा उठा रहा है। तो ध्यान कैसे करना होता है और इसकी जो विधा है, इसका जो बैकग्राउंड है, या इसकी कह लीजिए आप हाइपोथेसिस और धारणा जो है, उसके साथ हम लोगों का आत्म साक्षात्कार और कुंडलिनी जागरण का कार्यक्रम इस कार्यक्रम से करने वाले हैं और सब जन तक इसकी जानकारी पहुंचे। इससे पहले भी यहाँ पर ये संस्था लगभग 20 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है, मगर ये जो बड़ा पड़ाव है जहाँ 100वां वर्ष हम श्री माता जी का मनाने जा रहे हैं छिंदवाड़ा में, जहाँ लगभग 25,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे होने वाले हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये चैतन्य रथ हमारे यहाँ 1 मार्च 2023 में आने वाला है। और राज अपने शहर के 6 अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्पॉट पे हम लोगों को इकट्ठा कर ध्यान के बारे में बताएंगे, सहयोग के बारे में बताएंगे, इसका फायदा बताएंगे, और हमारा जो सेंटर है वहां हम सबको आमंत्रित करेंगे कि आप इस विधा को अपने जीवन में उतारें, और जो भी आपके आयाम है, जो भी आपके अलग अलग स्तर है, चाहे मानसिक स्तर हो, बौद्धिक स्तर हो, शारीरिक स्तर हो, अलग अलग आयाम में आप प्रगति कर सकते हैं, ये इस पूरे भारत भ्रमण चैतन्य रथ का उद्देश्य है। जो इसके जोनल समन्वयक हैं प्रसून मिश्रा जी,
वो इसको और आपसे अवगत कराएंगे। और पूरा जो ये जोन है अपना रीवा जोन, इसमें सीधी, सिंगरौली, शहडोल और रीवा सतना के साथ इसका पूरा प्रभार प्रशून मिश्र जी के पास में है और मैं यहाँ का जिला समन्वयक हूँ। दरअसल अभी जैसा प्रवीण भैया ने हमें सहयोग का सामान्य परिचय दिया, दरअसल ये जो सहयोग विधा है ये कुंडलनी जागरण की एक सामान्य विधि है जिसे परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने 1975 को दिया था। उन्होंने सारे ब्रह्मांड का जो है वो शास्त्रार्थ खोला और उसके बाद से ये आम आदमी के बीच में आ गया। आज जैसा भैया ने बताया 170 से ज्यादा देशों में निःशुल्क प्रैक्टिस होता है सहयोग, और हमारे रीवा में भी पिछले 20 वर्षों से चल रहा है। रतहरा में हम लोगों का एक सहयोग ध्यान केंद्र बना हुआ है, वो जो हमारा तिवारी होटल के पीछे एक गली जाती है, वहाँ पे 50 मीटर है मेन रोड से, तो वहाँ पे संचालित है। अभी हम लोग अगर देखें तो साप्ताहिक रूप से प्रत्येक संडे को 11 बजे वहाँ पे हम संचालित करते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग आपसे आप बंधुओं से मिलने का हमारा उद्देश्य था वो मूल यही था कि जो अभी भैया ने बताया कि परम पूज्य श्री माता जी के जो 100वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं महोत्सव, वो छिंदवाड़ा में, क्योंकि छिंदवाड़ा श्री माता जी का जन्मस्थली है, तो छिंदवाड़ा में हम लोग परम पूज्य श्री माता जी का जन्म उत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। तो 100वें जन्म दिवस को एक विशेष आयोजन के रूप में मनाने के लिए एक 4 परम चैतन्य रथ संपूर्ण भारत में भ्रमण कर रहे हैं। तो जो रथ यहाँ रीवा पहुंच रहे हैं 1 तारीख, वो 11 स्टेट्स को पार करके 12वां स्टेट अंतिम मध्य प्रदेश है। तो भी जैसा भी भैया ने बताया कि आज अभी वो पन्ना में है, कल सतना और परसों मतलब 1 तारीख को वो रीवा पधारेंगे। तो इसका जो पूरा हम लोगों का परम चैतन्य रथ का रीवा पहुंचने का कार्यक्रम है वो 11 बजे जो है वो करहिया में मतलब प्रवेश करेंगे। वहां पे जो हमारा बाईपास है, बाईपास के थ्रू करहिया तरफ से हम लोग आएंगे। तो पहला प्रोग्राम हम लोग 5 स्पॉट ने वेन्यू फिक्स किए हुए हैं, उसमें से पहला करहिया नंबर 2 में है। उसके बाद फिर गुड़हार में जो भारत माता मंदिर है वहां पे होगा, उसका टाइमिंग 12 बजे होगा। और उसके बाद फिर हमारा अगला जो पड़ाव है वो विंद विहार कॉलोनी में होगा, और विंद विहार कॉलोनी के बाद हम अग्रसेन चौक जो शिल्पी प्लाजा के उधर कोर्ट के पास है वहां पे होगा, और अग्रसेन चौक के बाद जो नेहरू नगर में पार्क है उस पार्क में होगा, और अंत में जो हमारा मुख्य ध्यान केंद्र है रतहरा में, तो शाम 6 बजे का जो प्रोग्राम है वो पब्लिक प्रोग्राम है, वो आम जन के लिए सबको। दरअसल हमारी पत्रकार वार्ता का उद्देश्य भी यही है कि आम जन इससे सूचित हो और वो इसका लाभ हो। और जैसा भी भैया ने बताया कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो जितने भी आयाम है हमारे मानव जीवन के, वो सभी इससे संतुष्ट होते हैं और उससे व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो सहज योग करने के बाद जब हम वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, 15 मिनट का है, हम इसको घर में अपने हम लोग सुबह शाम इसका ध्यान करते हैं, और ये कोई योगा नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी का है, ध्यान की एक विधि है। जैसे नाम से कभी कभी लोग समझ जाते हैं कि कोई योग करा रहे हुए, ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य प्रैक्टिस है, और इसको हम पूरा पारिवारिक जीवन में रहते हुए, जिस लाइफ में हम रहते हैं उसमें रहते हुए हम ध्यान कर सकते हैं। इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है, किसी धर्म का, किसी जाति का कोई बंधन नहीं है, उम्र का भी कोई बंधन नहीं है, हम जब चाहें, जिस स्थिति में चाहें, हम इस ध्यान को कर सकते हैं। और ये कुंडलनी जागरण की अत्यंत सरल और सहज विधि है जिसको परम पूज्य श्री माता जी ने दिया है, तो इसी में अधिकतम लोग पधारें, पहुंचे, यही हमारा आज का उद्देश्य है।